का बेटा? लेके घूमाऊं बोती में। चियो चियो इधर देखना बेटा, इधर देखो, लट लट नाट पटक दिया। राधे राधे राधे। अरे मेरा सोने तुम हो क्या? राधे 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 राधे। भाई फोन करके दिखा, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो हेलो हेलो। टाटा कर दो, बाय कर दो, बाय टाटा कर दो, बाय भी कर दो। अब लिली कर लो, अब लिली कर लो, आ जाओ सो जाओ। ठीक हो जा मेरा चांद, केक भी कटवाना है आपका। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल आ गए और आके फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे इसको पूरी रात से वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो उसका भी ब्लड टेस्ट हुआ है फिर से बच्चे के। मैं तो गई नहीं, कुलदीप ही गए थे, उसकी आवाज आई मुझे रोने की, हाथ में देखिए आपको ब्लड निकाला है। 20 मिनट्स बाद में रिपोर्ट्स आएंगी, देन देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ से चिया का भी ब्लड लिया है और टेस्ट हुए हैं, दो टेस्ट हुए हैं, देखेंगे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं फैल रहा है ना। बेटा इसको डॉक्टर ने दबा के रखने के लिए बोला है, प्याले प्याले बच्चों का खून निकाल लेते हैं गंजे डॉक्टर गंजे। तो दूर है मम्मा के पास, वो हटा दी इसको। नहीं चिया ऐसे नहीं करते। सच्ची होगी, हम रिपोर्ट्स वगैरह ले आए हैं, उसको इन्फेक्शन वायरल आया, 3 दिन में बोला डॉक्टर ठीक हो जाएगा, जाते टाइम मम्मी घर रस्ते में आता है तो हम लोग 10 मिनट के लिए आए। नींबू पानी बनाया मैंने, उठते ही आवाज़ भी नहीं थी, मम्मा को क्या करने लग गया उठते ही। ओ नहीं नहीं दवाइयाँ, आपकी दवाइयाँ हैं। हाँ जी गाइस, तो मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद में चियो को हमने दवाई दी, उसको नहलाया और फिर ये फीड करके सो गई थी अभी, क्योंकि ऊपर का नहीं खा रही, क्योंकि इसके ऊपर के दांत भी आ रहे हैं तो वैसे इसके स्वेलिंग आ रखी है मसूड़ों में, वैसे भी इसको पेन है। और अभी चियो का मैं कुछ नहीं कह सकती क्या ठीक है नहीं है, क्योंकि दवाई देते हैं उतनी देर फीवर उतरता है, जैसे दवाई का असर कम हुआ डॉक्टर ने बोला 3-4 दिन तो रहेंगे, वायरल इन्फेक्शन है। और अभी भी थोड़ी मेरे को निवाई निवाई सी लग रही है, सो के उठी अपने आप, मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई में लग रही थी और अपना उठ के खड़ी हो गई। कुलदीप को भी ऐसे हो रहा है, उनको आज है ना दिल्ली जाना था कोई काम से, बट वो इसकी वजह से नहीं गए फिर, क्योंकि इसकी रात को पूरी रात वो लेके बैठे रहे हैं भाई, कल भी इसको गोद में लेके, और इतनी चुप हो गई है, इतनी मासूम हो गई है, ऐसे बार बार गर्दन पटक रही है, हाथों में इसके वो ब्लड निकाला है। और पता नहीं बच्चा बीमार होता है तो बच्चों के कलर के क्या हो जाता है, ऐसे डल डल सी हो गई है बिल्कुल। और नहीं हुई है, नहीं हुई है, इधर देखो सबको, आपने सबसे बात नहीं करी है, क्या हो गया क्या हो गया मम्मा? गाइस तो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, हम बिल्कुल ठीक हैं। सो वीडियो का आपने देखा कि किस तरीके से आई थिंक 2 दिन से चिया की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था, और उसकी पूरी रात वॉमिटिंग रही है, पूरी रात उसकी तबीयत ख़राब है, तो हम सुबह उसको लेके डॉक्टर के भाग गए थे। सो ये था अपडेट। तो अभी चियो जो है वो आराम से सो रही है, नहा धो ली है आराम से, चिया सो गई है तो मैं यहाँ लगा देती ताकि आराम से सोए। अच्छा जी गाइस, तो मुझे ना श्री रूपम परिधान से सूट रिसीव हुआ था और ना मेरे को ना इसके साथ उन्होंने एक बहुत ही प्यारा नोट लिख के भेजा। आपको पता है इतना ज़्यादा मेरा मूड ऑफ था ना चियो की तबीयत को लेके, और जब मैंने नोट पढ़ा ना, मैं ना कोई इसमें प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही, मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मतलब मैं इतनी पॉजिटिव, इतना दिल खुश हो गया था मेरा पढ़ के ये सब। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ एज अ न्यू मॉम, एज अ न्यू पेरेंट्स, आप लोगों को ही पता होगा कि जब हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको नहलाने वाला जो एक
हमारे सर पे टेंशन होता है कि इतना छोटू सा बेबी होता है, इतनी डेलिकेटेड, इतनी सेंसिटिव स्किन होती है, इतनी सॉफ्ट स्किन होती है कि हमें डर लगता है। जब मैं नई नई माँ बनी थी और सबसे पहले तो चियो मेरी मम्मी के घर पर रही, आपको पता चला मैंने, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी उसकी। बट मेरी मम्मी का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है चियो के साथ में, तो हम लोगों को था कि उसके लिए एक सेफली प्रोडक्ट हो, और बाद में जब मुझे यहाँ आना था तो मेरे को था कि एक अच्छा सा सेफली प्रोडक्ट हो जिसको हम उसको अच्छे से नहला पाएँ और वो सेफ भी रहे। तो इसीलिए मैंने लव लैब का बाथर यूज़ किया था। बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है, बच्चों से बहुत सेफ रहता है, आप उसको आराम से नहला सकते हो। वरना कई बार क्या होता है ना, बच्चा अपने हाथ से फिसल जाता है, गिर जाता है, इसको चोट लग सकती है। न्यू बॉर्न बेबी को चोट लगना, मतलब आपको पता है इतने छोटे से बेबी को चोट लगती है, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो हमें ज़रूरी है कि हम एक अच्छा और सेफ प्रोडक्ट यूज़ करें। तो अगर आप भी न्यू पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाके इसको क्लिक कर परचेज कर सकते हो, और आप डायरेक्ट अमेजोन पे भी जाके परचेज कर सकते हो। तो लव लैब के जो प्रोडक्ट होता है ना, आपको लव लैब की ब्रांड साइट पे इजीली आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। ये है लव लैब एक्वा टेल्स बेबी बाथर, जो कि न्यूबॉर्न से 12 मंथ तक के बेबी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वॉशेबल सॉफ्ट मैश के साथ में ये बना है, और मशीन वॉश इसका मिल जाएगा आपको फैब्रिक। इसके साथ में आपको सॉफ्ट कुशन पिलो मिलता है, जो बच्चों को हेड सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से देता है, और काफ़ी ज़्यादा स्टडी बेस है इसका। आपको इसके साथ में 3 पोजिशन एडजस्टेबल भी मिलती है सेटिंग, तो यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो कि उनको कैसे क्या कंफर्ट रहेगा। तो बहुत ही इजी टू उसको यूज़ करना है। उसी के साथ में आपको इसमें लार्ज सीट मिलती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्ट रहेगा। बहुत ही इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कम स्पेस में आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हो। आप इसको 9 kg तक के वेट के बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ ही में आप देख सकते हो कि इसकी सीट वगैरह, इसका कुशन काफ़ी ज़्यादा ब्रीथेबल है, सॉफ्ट है, काफ़ी सुंदर प्रिंट्स के अंदर आता है। आपको इसके अंदर कलर ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप अपने बेबी के लिए इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। मम्मा देखो आपके डॉल में सेल डाल दी है, फिर ये ऐसे बोलेगी चीयू चीयू चीयू। ये रहा, ने नहीं बताया होगा क्योंकि सपना को खुद को ही नहीं पता था। आने वाली हूँ, नहीं इससे मेरी सुबह बात हुई थी, इसका फोन आया था, चिया की तबीयत, मैंने इसको बताया था क्योंकि अभी थोड़ा सा 2 दिन से हम नहीं मिल पाए थे, बिजी हो रहे थे। आजकल लाइव आते ही, वीडियो डालते ही जीजा, आप और प्रीति जी की दोस्ती बहुत अच्छी, प्लीज कभी मत तोड़ना, प्लीज कभी बहुत तोड़ कर लाइव आई, मैं लाइव आते ही थोड़ी 15-20 मिनट आई थी तब लाइव आते ही। सो प्रीति जस्ट अभी मिलने आई है, और हमारे चियू रानी देखो खेल रही है, गणगौर बन के बैठी है, हमारे मस्त सुंदर सी, मैं संस्कारी हूँ ना। तो
तो ये किसको टोन मार रही है बैठे साले ना, मैं तो घाघरे लुगड़ी में ही पहन गाइस ये प्रमोशन करके आई है, एक शॉप का नाटक कर रही है, ओट नहीं उड़ रखी है सर पे से बोल लेके बाद में आग लगवानी आग लगवानी ते मम्मी से सासू के दो घोर दे रहा मम्मी किसे देखी कि सेलिया तो बड़ी मतलब मेरे सास खुद ही बोलती है उधर घाघरा लुगड़े का है, और मैं नई नई थी ना तो जैसे पापा जाते थे तो मम्मी मेरे को बोलती थी उतार दिया ना सारा पेरिया बे कछ लिया बच लिया फिर सही है तो क्योंकि मम्मी को ना थोड़ा सा साफ सफाई वाला है तो ये ओढ़नी ओढ़नी मैं अड़ा देती थी कहीं कहीं पर तब मेरे को भी है ना मेरे जो ससुर जी है ना मैं ना फाड़ देती थी तो स्कूटी में क्या होता है वो नहीं स्टैंड उसमें ओढ़नी आ जाती थी और यहाँ पे वो हो जाता था कोचरा लो देसी वैसा फिर पता है क्या हुआ फिर पापा ने एक दो बार देखा कि स्कूटी पर जाओ ने तो तेरा ने फूट तक लिया पैर जाए अगर मैं तो ये सीढ़ियां गिर जाती और ये करती चिया क्या हुआ बीमार हो गया चिया प्रीति मिलने आई चिया से और मैं चिया को लेके सो रही थी तो मैं प्रीति का फोन आया साइलेंट तक तो बीमार बीमार सी लग रही है तो यार मैं सोई को नहीं तीन दिन हूँ रात का ब्लॉक कर डाली ना आज इतना नहीं तो अच्छा तो वो है बस बैठे हम लोग बात बात कर रहे हैं क्या बस कर अब ज्यादा लटका झटका मत मार ये बात है क्या पर सुंदर लग रहे सूट कौन सी शॉप को है ससी क्रिएशन मतलब कंफर्टेबल है या मतलब सावन में घर पैर बा मैं कलर भी पैरों लग रहे हाँ कलर अच्छा लग रहा है ससी क्रिएशन से पहना हुआ इसने। हाँ जी गाइस तो प्रीति थोड़ा सा बिजी हो रही थी किसी फैमिली उसी में और आज सुबह उससे बात हुई मैंने कहा तू कहाँ बिजी फोन फानी नहीं कर रही तो फिर इसने बताया मैंने कहा चिया की ऐसे तबीयत खराब है तो अभी वो शाम को मिलने आई थी तो अभी हमने घंटा भर तो हो गया ना तेरे को घंटा भर बैठ के हम दोनों ने ऐसे बातें बातें करी और उसके बाद में चिया की एक दवाई लेनी थी सुबह मिल गई थी बट एक दवाई नहीं मिली थी तो मेडिकल वाले भैया ने कहा था दूसरे कुलदीप लेने गए थे कि शाम को ले लेना आपको तो मैंने उसको बोला कि तू ही दिला ला एक काम कर तो फिर ये शूट वूट भी करके आई थी उसको भूख भी लग रही थी तो मैंने कहा चल तेरे को कुछ खिला पिला भी लाती हूँ और थोड़ा सा चिया दवाई भी ले आएंगे ये देखिए और चिया है ना पता है चिया मेरे को देख के एक्टिव हो गई थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हाँ इसको आई ना तो थोड़ा सा खेल मिल रही है वरना सुस्त सुस्त हो रही थी एकदम और उस टाइम जब मैं आई थी ना तब तो कुलदीप बना के आई है चिपकी जाना ही नहीं है किसी के पास नहीं आती है ऐसे रोई थी देख तू आई जब है चिया अब इसका पता ही नहीं चल रहा मतलब अभी एकदम ठीक लग रही है और घंटे भर बाद में एकदम जो है मुझे बताती हूँ तेरे को दवाई देगी ना हाँ। तो एक डेढ़ घंटा सही रहेगी हाँ वही हो रहा है यार टाइम पे दवाई दे को ऐसा हो रहा है भाभी के वो बेबी होने वाला है ना यार उससे पहले ठीक हो जाए मैं छोड़ ओढ़ नहीं पाऊंगी मम्मी के इसको तो जी हमारे प्रीति जी बनती है सिंपल और आज मेकअप की शॉपिंग करके आई है सौंदर्यम से क्या ले रही हूँ कुछ बड़ी लिपस्टिक रही है ले रही हूँ बावली नेल पेंट तो लगा हुआ है ना तो शौक है मेरे को अच्छी लगती है पर मैं कलर ये यूज करती हूँ जैसे रेड हुआ ये पिंक हो गया ये मेरे सासू माँ सब ये यूज करते हैं लगता है ये वाला और ये पिंक है लिपस्टिक डार्क पिंक हो गया ये लाइट पिंक हो गया और ये लिपस्टिक है कौन से कलर है और कंसीलर कंसीलर भी पता है इसको देखो शुगर का शुगर वाले हमें कोई पैसा नहीं दे रहे गाइस पर हम फिर भी प्रमोशन कर रहे हैं सौंदर्य वाले भी पैसा नहीं दे रहे पर हाँ सौंदर्य में आपको हर जो कॉस्मेटिक सामान है ना सारी चीजें मिल जाती है ये क्या दिखा रही है हेयर बैंड दिखा रही है अपना हेयर बैंड हाँ ये भी लेके आई मेरे को ऐसे लेने कुछ नहीं गई थी मैं सिर्फ यही लेने गई थी कॉम्पैक्ट लेने गई थी गर्मी में सब पीछे का हेयर बैंड लगा लिया चिया चिया दिखाओ इधर इसको पता नहीं है ना अभी ये देखो चिया रानी दुकान वालों को कैसे लूटती है और भैया भी पागल है इसको ला के दे दिया इसने मांगा और चोको चिप्स ला के दे दिया इसको वो क्या है ना हाँ क्या है ना मैं तेरे बराबर आने चाहती ए जो तू बीठा बोल बोल जो तुम्हारी बेइज्जती करे ना प्रीति सब समझू मैं तेरी तेल कौन दिखाओगे तू के के मैं हेल्दी चीजें खाती पीती हूं मिंट है ना सीन तो हो गया यार अब त्रियान को चिस्का ले रही है हां एक्टिव होगी देख ले अमेरिकन रेयर सारी जति एक्टिव कम करनी है हेलो गाइस इट्स अ नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग और पूरी रात कल फिर से चिया नहीं सोई है मतलब हर आधे घंटे में वो रो रही है हर आधे घंटे में
पता नहीं यार उसको क्या हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रही है। और आप मेरे रिजल्ट देख सकते हो तो कुलदीप के मेरी ऐसी हालत हो रही, नींद नहीं पूरी होने की वजह से। सो परसों पूरी रात कुलदीप नहीं सो पाए थे, तो फिर इसलिए मैंने कहा कल उनको सोने दिया और मैं अब नहीं सो पाई पूरी रात। सभी मैं उठ के किचन में आ गई हूँ और फटाफट से खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि चिया बिल्कुल अभी भी आधे घंटे होता है फिर रोने लग जाती है, फिर 15-20 मिनट होती है, तो बीच बीच में उसको संभालना पड़ रहा है। मैंने कहा जल्दी से ये सब हो जाए और उसके बाद उसको लेके बैठ सकूँ मैं आराम से। सो सब्जी वगैरह बनानी है, आटा वाटा मैंने पहले लगा लिया था और यही सब अपडेट है। हाँ जी गाइस, तो चियो के ऊपर वाले टीथिंग हो रही है, तो उसके ना जो गम्स है ना बहुत ज़्यादा स्वेल हो रखे हैं और वो इस वजह से कुछ खा पी भी नहीं पा रही है। तो मैंने बस यूट्यूब वगैरह किया था, क्या कर सकती हूँ मैं, तो मैंने बस एक क्लीन सा हैंग के लिया था और उसमें मैं ना नोट कर रही थी, नोट बांध रही थी मैं, ताकि है ना वो ना मैंने इसमें देखा था उसमें बच्चे को देना चाहिए ठंडा करके, तो वह अच्छे से च्यू कर पाएगी ना, तो उसको अच्छा रिलैक्स फील होगा। और ये मैंने उसके जो फीडर है नहीं टीथर है उनको ले लिया था, दोनों टीथर मेरे पास में हैं, ये भी मेरे पास लव लैब की, तो मैंने आई थिंक चू जो 5 मंथ प्लस हुई थी तभी मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन पे से। उसके अलावा फिर मैंने हाफ क्यूकम्बर लिया था, उसको पील करके और फिर उसके बीच वाले बीज निकाल दो कोई भी आप फिंगर शेप में, जैसे कैरेट हो गई, क्यूकम्बर हो गए, इस टाइप के आप कोई भी जो होता है ना हार्ट थोड़े से, उनको फ्रूट्स को लेके वो भी अपने बेबी को दे सकते हो, उससे भी उनको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होगा। तो बस इनको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में थोड़ी सी देर के लिए, ताकि फिर बाद में उसको दूँ तो उसको अच्छा लगे। और उसी के साथ में मैं आज बना रही थी पापड़ की सब्ज़ी, क्योंकि सब्जी कोई थी नहीं ऐसी, बाकी कोई मैंने ऐसा कुछ भिगोया नहीं था, ऐसे आलू बैंगन थे तो वो भी मेरा मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो पापड़ बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गया। और छाछ हमारे वैसे फार्म हाउस से भी आ जाती है, लेकिन मैं घर पे भी सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा घर की छाछ ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं छाछ वगैरह करके उसमें भुना हुआ जीरा, नमक, काला नमक ये मिला देती हूँ, और उसके बाद में फिर लग गए थे फिर चपातियाँ बनाने। और भाई ये जो गर्मी ऐसे पूरा टपक 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 ऐसी हालत हो जाती है रोटी सेकते सेकते, सो आई थिंक सबसे टफ काम है ये रोटी वाला, क्योंकि आप कुछ भी बनाते बनाते इधर उधर हो सकते हो पर रोटी में नहीं हो सकते हो। ये मैंने चिया के कुछ न्यू क्लोथ्स निकाले थे जो कि उसकी फुल स्लीव्स के, क्योंकि मेरे पास मैंने ज़्यादातर उसके हाफ स्लीव्स के, कट स्लीव्स के कपड़े ज़्यादा है, और अभी मैं उसको थोड़ा फुल स्लीव्स के ही पहना रही हूँ क्योंकि वो बीमार है। तो ये देखिए उसके नए के नए मेरे पास में ये पजामियों के सेट वगैरह साथ में अपर वाले थे, तो इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैं आपको बताऊँ ये कलर्स देखिए आप कितने प्यारे लग रहे थे न्यू न्यू। और कुलदीप मुझे ना पीछे से बोल रहे थे इनका क्या करेगी रख के, तो कपड़े निकाल लिया कर, इसको डेली पहना लिया कर, बट होता ना कोई सोचता है पर नए नए भी रख ले, तो इतनी सुंदर कलर लग रहे थे गाइज आप खुद देखिए वीडियो में। तीन का सेट है ये, टी शर्ट्स भी तीन थी जिनमें मैंने दो निकाली हुई हैं और एक और मैंने फिर निकाल ली थी क्योंकि डेली में चाहिए यार मेरे को अभी। और ये देखिए चू, मैं उसको नहला दिया था, दवाई दे दी थी, दवाई लेते ही वो बस सो जाती है अपना, तो देखिए तो प्यार से सो रही है। गाइज अभी मैंने, हाँ जी गाइज हो देखिए मैंने ये ड्रेस वेयर करी अभी और मुझे इसका शूट करना है, मैंने आपको दिखाई ड्रेस आई थी। और गाइज प्रमोशन से हटके मैं आपको ना पर्सनली बता रही हूँ, बहुत प्यारी ड्रेस है आप पहने हुए। खैर अभी तो देखो मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया, और बहुत सुंदर ड्रेस है यार, इतनी प्यारी लग रही है पहनने के बाद में। इसका जो वो है ना लहंगा अलग कलर का और नहीं पता सारे प्रिंट अलग है, वो कुर्ती के ऊपर कुर्ती का लहंगा, तो इतना प्यारा लग रहा है, इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा, साथ में डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। तो आप ना डेफिनेटली परचेज करना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि बहुत सुंदर ड्रेस है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। बस इस अंकित को मैंने बुलाया है क्योंकि इसका ना मेरे को अर्जेंटली वीडियो बनाना था, तो मैंने कहा अंकित तू आ जा, तो बस वही करने में जाऊँगी अभी से। देखिए अब क्या हो गया। मामू मिल रहा है, मामू को अपनी नई ड्रेस दिखाई आपने आज है? मामू खुश हो गया, तो उठते मामू मिल गया इसको, इसको मामू मिल गया। मौसम देखिए आप कैसा हो चुका है,
बहुत भयंकर। अंधेरा हो चुका है गाइस और अभी सिर्फ 5 बज रहे हैं। एकदम अंधेरा हो गया, ऐसे रात हो रही है, 8 बज रहे हो, ऐसे हो रहा है मौसम। और टाइम अभी तक, अभी तो चलो 7 बज रही है और उस टाइम तो 6:30 बजे पे था। सो प्रीति अभी आई है और हम दोनों का कल एक्चुअली साड़ी का शूट है। तो आपने प्रीति के इंस्टाग्राम आईडी पे देखा होगा, प्रीति तो करती रहती है रेगुलर। मैं कल करूंगी, सो उसके लिए चाहिए, साथ में करेंगे गाइस। तो अगर आपको देखना हो तो दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, प्रीति सूर्य राठौर ऑफिशियल सपना मनोहर। और हम लोग लेने जा रहे हैं ब्लाउज। ऑफिशियल क्यों लगाई हुई है बतावन? क्योंकि सपना मनोहर के नाम से शायद थी कोई आइडिया, तो वो मेरा नाम ही नहीं ले रहा था। और मेरे पता है मैंने ऋषु के पापा का इसलिए लगाया क्योंकि प्रीति के नाम से हो ही नहीं रही थी, बनी नहीं रही थी। अच्छा, तो फिर और अच्छा हुआ मैंने नाम नहीं लिया कुलदीप का, क्योंकि है ना मैंने तक बता रही थी ना, मैंने जिनसे बात करी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने बोल रहा था आप मतलब वो सरनेम मत लेना, जैसे मैंने गोत्र ले रखा है मनोहर, कि अगर वो अगर ये है ना वो होती ना अगर कास्ट होती है, अगर मान ले वो क्या बोलते जो भी होती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपको। जैसे मेरी सास का नाम है ना मनोहर ही है, बट हमारे मनोहर गोत्र थी, शादी जब हुई ना उनकी तो उनका नाम ही बदल दिया, उनका नाम आशा कर दिया, तो मनोहर मनोहर जचता ही नहीं। हाँ, तो ये है। तो हम लोग जा रहे हैं ब्लाउज लेने और देखो हमें मिल जाए तो वाली गली में। जी बिल्कुल, एक तो यहाँ पे तो बता रही थी इधर कोई कलर दिखा दो, यही है बस और है ही नहीं। पचरंगी नहीं है वो, चारों कलर तो दिखा दो इसके, तो इसके तो चारों कलर दिखा दो। तो गाइस ये मिला है, अच्छा तो है, बात नहीं। वाइट चलेगा क्या सब पे? लूँ ब्लैक भी बता रहे थे ना, ब्लैक में गोल्डन है। ब्लैक क्यों ले रही है? ब्लैक है ना तेरे पास वो क्रॉप टॉप, इतनी पतली थोड़े पतली। हाँ ये हमारे आएंगे थोड़ी ना भैया, स्ट्रेचेबल, हम स्ट्रेचेबल से बाहर निकल रखे हैं अभी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बारिश का लुफ्त उठाने के लिए, भीगते हुए पर यार मजे भी आते हैं यार। इनके पूछना, इनके है क्या, पूछ के एक बार। गाड़ी को हमने साइड में लगा दी कि पतली पतली गलियां से ले लेके भाग नहीं सकते हैं। ब्लाउज है क्या, रेडीमेड ब्लाउज है ना। तो हमें एक शॉप मिली है यहाँ पर, सारे ब्लाउज ही ब्लाउज का कलेक्शन है, इतना प्यारा प्यारा, ये देखिए बहुत सुंदर है हाँ ना। और काफी ऑप्शंस हैं, वरना इतनी जल्दी मिलती नहीं है रेडीमेड। और ना मतलब फैंसी भी देख दिखा, हाँ सारे ये देख, ये देखिए सारे रेडीमेड ब्लाउज हैं ये, वरना इतनी जल्दी मिलते नहीं है ब्लाउज। और ये वाला अच्छा लगा, ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, साइज डबल एक्सएल 3XL सब है। ये देखिए सारी, क्या नाम है शॉप का? लक्की फैशन। लक्की फैशन में आपको दिखा दूंगी थोड़ा सा, ये सारे ब्लाउज आप देखिए, ब्लैक भी है, व्हाइट में देखिए आप कितने सारे ऑप्शंस हैं, ग्रे कलर ब्लैक में दिखा रहे थे ना दूसरा, वो नहीं लिए क्या तूने कवर वगैरह? ये पता है ये मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि ये भी डालूंगे मैं, कि नीचे 3 मंजिल से नीचे जाके कचरा और फेंकना पड़ेगा। ये तो मेरे भी आफत है यार, कमरे से नीचे आने में 4-5 दिन का एक साथ इकट्ठा करती हूँ फिर मैं है? और क्या क्या करती हूँ, जैसे नीचे उतरती हूँ ना सारा कचरा लेके नीचे उतरती हूँ मैं, मतलब एक जैसे जिस चीज़ अगर डायपर वगैरह होता है ना पॉलिथीन में डाल के, तो साइड में रखती रहती हूँ बाहर, फिर 2 दिन कैसे इकट्ठा होता है फिर फेंकती हूँ। तो हमने ब्लाउज ले लिए, 2 मैंने लिए हैं, 2 सपना ने लिए हैं, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लिया है, सपना ने एक मल्टी लिया है और साथ में एक व्हाइट लिया है। इस पे करना है ओके जी। क्या क्या कर रही प्रीति मौसम के साथ? मौसम के साथ मोमोज के मजे, ये मेरे नहीं है गाइस, ये सपना के हैं। मेरे छोटे छोटे दिए इन्होंने, इनको बोल थोड़े बड़े बड़े मोमोज दे। कोल्ड कॉफी आपके हम पीने रोज आ जाते हैं डिस्काउंट, आपकी क्या टेस्ट है ना बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए आते हैं। तो वही कोल्ड कॉफी, तेरा भी सपना वही ना? सेम कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम चोको चिप, ठीक है, बट इसमें चोको चिप ज्यादा आने चाहिए और वनीला वाली आइसक्रीम नहीं डालना इसमें डालनी है आपको चॉकलेट वाली, है ना, ठीक है, डन और जल्दी। और ये चोको चिप भी ज्यादा होने चाहिए, अगर नहीं ज्यादा होंगे तो मैं कल की तरफ और एक्स्ट्रा मंगवा लूंगी। सुनो भैया वो तो डरते भैया आए नहीं, वो दूर से स्माइल दे रहे हैं, लार्ज होने चाहिए दोनों के। तो तेरे से उनको एक्स्ट्रा चार्ज भी लेना चाहिए, जो तो इनके चोको चिप्स हटती है ना रोज रोज आके, इतने इतने गाइस एक्स्ट्रा लेती है हाथ में।
अच्छा लगा मन चोको जी, पर भी कोल्ड कॉफी के साथ वो उसी में अच्छे लगते हैं। जैसे कल मैंने कोरे खाए थे तो अच्छे नहीं लगे थे। बचीज दी है, ये दी है। तो मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। ये देखिए आप, हमने धाप के अभी मोमोज खाए 3 प्लेट पूरा छोटे छोटे से थे। पता ही चल रहा था मुंह में कप कप मतलब। आज जो मौसम है ना वो मोमोज लाइक ही है। देखो गाइस बारिश आ रही है और मोमोज मैंने ये मानो 3 से 4 महीने बाद मैंने भी मोमोज बहुत टाइम हो गया बहुत टाइम खाती नहीं। पर बारिश का मौसम है ना, इसमें मोमोज पकौड़ी ये सारी चीजें अच्छी लगती है। तो वो एक दिन पनीर पकौड़ी तो खिलाते। मैं पकौड़ी को नाम लेता नहीं है ना, मुझे याद आएगी तेरी बात। जरूर बोलेंगे हाँ, एक बारिश आएगी ना, बारिश आएगी ना अपन पनीर पकौड़ा बनाएंगे। कुलदीप अन्ना को भी लिया ना। मैं कसम से बता यही लाइन बोलने वाली थी कि कुलदीप और मैं दोनों आएंगे। मतलब ठीक है चाय के साथ में। चाय के साथ हाँ ठीक है। तो चाय तो मैं अच्छी नहीं बनाती। तू चाय मैं अच्छी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में चाय कोई पीता ही नहीं है। मैं नहीं पीती, ऋषु के पापा नहीं पीते, दोनों बच्चे नहीं पीते, तो चाय बनती नहीं। तो अपन दोनों कॉफी पियेंगे और उनके लिए चाय बनाऊंगी। हाँ। मैं कॉफी ऋषु के पापा है ना, कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। फिर यही कंटेंट लेना है उस दिन, चारों करेंगे। ऋषु के पापा कोल्ड कॉफी बना देंगे, मैं पनीर पकौड़े बना दूंगी, मैं चाय बना दूंगी। चाय बना देंगे और कुलदीप बर्तन पूछ लो। कुलदीप बर्तन नहीं, बर्तन वाली तो चलो आती है, पर वो क्या बनाएंगे कुछ अच्छा बता उनको। उनको मैगी बहुत अच्छी बनानी आती है तो वो मैगी बनाएंगे है ना। और फिर ऐसी बारिश आएगी और अपन छत पे है ना, सही में मजे करेंगे। एक बार भाभी के बच्चा हो जाए उसके बाद जो बारिश आएगी आप है ना हमें बताना कि हम ऐसा करेंगे। हाँ। खूब सारे कमेंट गाइस बोलेंगे, पहले आप घर वाला करो वो काम वाला। ये लग गए हमारे लाइफ लाइन। देखो गाइस मेरा प्यार, मेरी बता किस नंबर नाम से सेव है मेरा नंबर, तेरा हब्बी और दूसरे नंबर5 मिनट का बोला था तो बारिश आ रही है यार। अरे आपने बोला ना स्कूटी से जाना तो मैं स्कूटी से फंस गई ना। ओके जाना 5 मिनट का था। सी जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, दाल चावल को बना रही हूँ मैं, इतना मस्त बनाऊंगी। चलो तो फिर बाद में एक काम करो, थे चले जाओ क्योंकि चाबी मेरे पास है। तो थकी चाबी कट गई। ठीक है आ रही हूँ। 10 मिनट लाख सी सर, 10 मिनट लाख सी। भागा दौड़ी को नहीं हुआ मेरे रूम में, जिम नहीं गए, एक भी स्क्रैच फोन करे मैं। ठीक है डन। यस देख लीजिए तेरे चोको चिप्स, आज तो सही ढंग ले लैग तो था। बारिश में वापस बुला सी, बारिश में वापस बुला लेगी। हाँ जी गाइस, तो स्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपको सूट लेना हो तो श्री रूपम परिधान से आप ले सकते हो। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सूट बहुत हाईली रिकमेंड है, बहुत प्यारा है।